हमारे बॉडी के काफी एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सांस लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस और छींकना। उसमें से सांस लेना और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, पर छींक आना एक ऐसी एक्शन है जो अचानक से होती है। छींक आना कंटिन्यू प्रोसेस तो है नहीं, इसीलिए आपको कब छींक आएगी ये पता नहीं चलता है। किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में छींक आ सकती है, आप मीटिंग में हो या फिर चाय या कॉफी पी रहे हो। सिचुएशन या वक्त देख के छींक नहीं आती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी छींक आती है, इसीलिए कभी कभार ऑकवर्ड सिचुएशन में छींक को रोकने की कोशिश करते हैं। पर क्या आप जानते हैं छींक को रोकना बॉडी के लिए कितना हानिकारक होता है? क्या होगा अगर आप छींकना कंट्रोल करेंगे? ऐसे ही सवाल के जवाब हम इस वीडियो से जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें छींक आने के मेन कारण होते हैं नोज या साइनस से कुछ बाहर निकलने जो नहीं होना चाहिए। वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे धूल मिट्टी, परफ्यूम का स्ट्रॉन्ग स्मेल जो हमारे नाक को सहन नहीं होता है। जब हम छींकते हैं हमारे आईलिड से लेकर सारे मसल्स रिएक्ट होते हैं। छींक आते वक्त हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है। किसी वजह से अगर आप छींक को कंट्रोल करते हैं तो 24 टाइम्स ज्यादा प्रेशर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। उसके सिवा छींक रुकने का कारण डेंजरस इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं, जैसे कि ईयर ड्रम्स बर्स्ट होना, आंखों में ब्लड वेसल्स बर्स्ट होना, जिस कारण बॉडी में सीरियस डैमेज हो सकता है। छींक आना हमारे बॉडी की ऐसी एक्शन है जिससे हमारे साइनस में कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक होता है। जब हम छींक को रोकते हैं तो चांसेस है साइनस के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। छींक आने से कोई भी धूल मिट्टी जैसी चीज साइनस से बाहर निकल के सिस्टम रीसेट होता है, इसीलिए छींक को रोकने की गलती कभी ना करें। एक छींक सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप उसे रोकते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकते हैं। छींक आना बहुत ही कॉमन बॉडीली फंक्शन है जिसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये वीडियो देखते वक्त भी आपको छींक आती होगी। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।